हिंदी टीचर, कक्षा 3 की हिंदी टीचर। आज आपको मैं मात्राएं सिखाऊंगी। मात्राएं कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। अभी कक्षा 2 में आप मात्राएं सीखे ना बच्चों, आज कक्षा 3 में भी मात्राएं सीखना है। पहले पूरा मात्राएं, वर्णमाला ये सब लिखने के बाद ही आपको पाठ पढ़ना शुरू कराऊंगी। ठीक है बच्चों, पहले विषय, विषय बोले तो क्या है बच्चों, बोलो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। कौन सी कक्षा के लिए पढ़ा रही मैं आपको, कक्षा 2 या 3? कक्षा 3 बच्चों। आज क्या करना है अपने को, मात्राएं सीखना है। कौन सी मात्राएं सीखना है, स्वर की, स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं कहां से कहां तक है बच्चों, से आकर, से तक। बच्चों ये कौन सा अक्षर है, अ, इसकी मात्रा है बच्चों, इसकी कोई मात्रा नहीं रहती। ये क्या है बच्चों, अ, आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, ई बड़े ई की मात्रा, उ छोटे उ की मात्रा, उ बड़े उ की मात्रा, रु रु की मात्रा, ए ए की मात्रा, आई आई की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा। ये हो गए स्वर की मात्राएं। इसे क्या कहते हैं, अम की मात्रा कहते हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं, अनुस्वर। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वर। और ये दो बिंदु वालों को क्या कहते हैं, आहा की मात्रा को विसर। एक अक्षर और लिखना है, वो है चंद्रबिंदु। क्या है बच्चों, चंद्रबिंदु का अक्षर आ पे चंद्रबिंदु। ये खाली पढ़ने में और लिखने में ही इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में नहीं लिया जाता है। अ की मात्रा, अ की मात्रा, ई छोटे ई की मात्रा, ई बड़े ई की मात्रा, उ छोटे उ की मात्रा, उ बड़े उ की मात्रा, रु रु की मात्रा, ए की मात्रा, आई आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ औ की मात्रा। अनुस्वर विसर अनुनासिक, इसे अम की मात्रा, आहा की मात्रा और आपे चंद्रबिंदु कहते हैं। आपको अनुस्वर विसर्ग अनुनासिक कहने के लिए थोड़ा तकलीफ होता ना बच्चों, इसलिए इसे अम की मात्रा, आहा की मात्रा और चंद्रबिंदु भी कहते हैं। तो ये हो गए बच्चों स्वर की मात्राएं। अब ये स्वर की मात्राएं आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दी, आपको पाठ्य पुस्तक में भी स्वर की मात्राएं दिए गए हैं। स्वर की मात्राएं से आने वाले अक्षरों से आने वाले चित्र दिए गए हैं यहाँ पर। देखो अ से अनार, यहाँ पर अनार का चित्र दिखाई दे रहा बच्चों। देखो यहाँ पर अ से अनार, अ से और कौन से अक्षर है, बस, और क्या है यहाँ पर, घर। देखो बच्चों अनार, बस और घर, यहाँ पर अ की मात्रा दिया गया है। आ की मात्रा से आने वाले अक्षर और शब्द देखो बच्चों, अ से आम, मात्रा की आ और मा है आम, का को आ की मात्रा, क रा कार, और छ को आ की मात्रा, छ का को आ की मात्रा, थ छाता। तो यहाँ पर आम कार और छाता। और छोटे ई की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा से संबंधित चित्र भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। छोटे ई की मात्रा के चित्र कौन से है देखो बच्चों, इसे इडली, चकु ई की मात्रा छी, डकु ई की मात्रा डी, या पा की मात्रा या, क्या हो गया ये, चिड़िया। यहाँ पर चिड़िया का चित्र दिखाई दे रहा बच्चों, यहाँ पर चिड़िया है। तो यहाँ पर चकु ई की मात्रा छी, डकु ई की मात्रा डी, या पा की मात्रा या, चिड़िया। यहाँ पर है, ये क्या दिख रहा बच्चों,
बास्केट दिख रहा, बास्केट को क्या बोलते हैं, डलिया। देखो यहाँ पर ध लकुई की मात्रा, ली या क्वा की मात्रा, या डलिया। तो ये हो गए छोटे ई की मात्रा के चित्र। और शब्द बड़े ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा से कौन सा शब्द आता बच्चों, इसे ई। तो यहाँ पर क्या है, चाकू ई की मात्रा, चाकू बड़े ई की मात्रा, छी का क्वा की मात्रा, त चीता। तो यहाँ पर दिख रहा बच्चों आपको चीता का चित्र, देखो यहाँ पर चीता। और यहाँ पर है ये बड़ा सा सुन वाले बड़ा सा जानवर है, कौन सा जानवर है बच्चों, हाथी। हाकुआ की मात्रा ह, तकुई की मात्रा ती, क्या हो गया बच्चों, हाथी। फिर एक बार दोहराओ बच्चों, अनार बस गर, आम का छाता, इडली चिड़िया और डलिया, चीता और हाथी। ये हो गए चार मात्राएं, अ अ ई ई, चार मात्राएं हो गए ना बच्चों। और दूसरे मात्राएं देखेंगे बच्चों, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा अभी मैं आपको लिखा है ना यहाँ पर, ये हो गया छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा से उसे क्या आता है यहाँ पर, उसे उपवन, उसे उपवन, उपवन उपवन है ना बच्चों। और देखो यहाँ पर ये कौन सा चित्र है, जो धीरे से चलता है, पानी में भी रहता है, बाहर जमीन पर भी रहता है, कौन सा चित्र है बच्चों, हाँ ये है कछुआ। ख चाकू की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, छू आ, कौन सा क्या हो गया, एक कछुआ। और यहाँ पर देखो बच्चों ये कौन सा चित्र है, गुलाब, गुलाब का रंग कैसा है यहाँ पर, लाल। गाकू की मात्रा, गाकू छोटी ऊ की मात्रा, गू, लकुआ की मात्रा, ल और भ, क्या हो गया ये, गुलाब। यहाँ पर दिखाई दे रहा बच्चों गुलाब का चित्र, बोलो उपवन, कछुआ और गुलाब। अब पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा, कौन सी मात्रा पढ़ेंगे, बड़े ऊ की मात्रा, उसे कौन सा शब्द आता बच्चों, ऊन, उसे कौन सा शब्द आता, ऊन। ऊ की मात्रा वाले शब्द देखो बच्चों, चाकू बड़े ऊ की मात्रा, छू अकुआ की मात्रा, हा चूहा। यहाँ पर कौन सा चित्र दिखाई दे रहा आपको, चूहे का चित्र दिखाई दे रहा। यहाँ पर ये कौन सा चित्र है, कबूतर। क बकू की मात्रा, बू त र, क्या हो गया ये, कबूतर। यहाँ पर छोटे ई की मात्रा दिया गया या बड़े ई की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा दिए गए हैं। ये देखो रुकी मात्रा, रुकी मात्रा से आने वाले शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। रु से क्या आता बच्चों, ऋतु, रु से क्या आता बच्चों, ऋतु। माकू रुकी मात्रा, मृ ग, क्या हो गया, मृग। माकू रुकी मात्रा, मृ और ग, क्या हो गया बच्चों, मृग। और यहाँ पर एक पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है, ये है क्या है बच्चों, वाकुरु की मात्रा, वृक्ष, वृक्ष। पेड़ को क्या कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं, यहाँ पर वृक्ष। और यहाँ पर एक ही मात्रा दिए गए हैं बच्चों, देखो एक ही मात्रा, एक ही, ऐसे कौन सा शब्द आता बच्चों, ऐसे एल्बम। तो यहाँ पर एल्बम का चित्र भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो ये कौन सा चित्र है बच्चों, सेब, सेब का चित्र है। यहाँ पर मात्रा के साथ शब्द भी दिए गए हैं, ए, यहाँ पर क्या है, स, सकुए की मात्रा, से और भ, क्या हो गया बच्चों, से। श, शकुए की मात्रा, शे, र, क्या हो गया बच्चों, ए, शेर। यहाँ पर चित्र दिख रहा बच्चों, शकुए की मात्रा, शे और र, क्या है ये, शेर। और मात्राएं यहाँ पर एक ही मात्रा तक पढ़े ना बच्चों, ऊ की मात्रा, ऊ बड़े ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, एक ही मात्रा। अब एक ही मात्रा पढ़ेंगे बच्चों, देखो आई, आई की मात्रा, आई से क्या है बच्चों, आइनर, आई से आइनर। यहाँ पर कौन सा चित्र दिखाई दे रहा, थैला। थकुआ की मात्रा, थई, लकुआ की मात्रा, ल, थैला। यहाँ पर एक चिड़िया का चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, माकुआ की मात्रा, माई, नकुआ की मात्रा, ना, क्या है, माइना। और यहाँ पर देखो ओ की मात्रा, अब ये आई की मात्रा हो गई, उसके बाद ओ की मात्रा, ओ से कौन सा शब्द है, ओ से ओस, ओ से ओस। ताकुआ की मात्रा, तो ताकुआ की मात्रा, ता, क्या है बच्चों, ये तोता। देखो यहाँ पर तोता दिखाई,
दिखाई दे रहा आपको चित्र में, ये है तोता। यहाँ पर देखो बच्चों, ये कौन सा चित्र है? हाँ बच्चों, मोर का चित्र है। यहाँ पर मोर दिखाई दे रहा, लेकिन पढ़ने पढ़ना भी है ना, मोर कैसा लिखा जाता? माको की मात्रा मो और र, क्या हो गया ये? मोर। औ की मात्रा, यहाँ पर औ की मात्रा भी दिया गया है। औ, औ से क्या है बच्चों? औ से औरत। औ से क्या है बच्चों? औ से औरत। नाको औ की मात्रा नौ, काको औ की मात्रा का, क्या हो गया? नौका। नाको औ की मात्रा नौ, काको औ की मात्रा खा, नौका। पाको औ की मात्रा पौ, दको औ की मात्रा द, पौधा। देखो यहाँ पर छोटा सा पौधा का चित्र दिखाई दे रहा बच्चों, ये क्या है? पौधा। अब अंक की मात्रा दिए गए हैं यहाँ पर, अंक की मात्रा से कौन सा शब्द आता बच्चों? हमसे अंगूर। हमसे कौन सा शब्द है बच्चों? अंगूर। हमसे कौन सा शब्द, यहाँ पर कौन सा शब्द का चित्र दिखाई दिया यहाँ पर? देखो हाँ, यहाँ पर हंस, हंस का चित्र दिखाई दिया यहाँ पर। हाको अंक की मात्रा हम स, हंस, क्या हो गया ये? हंस। यहाँ पर हा, यहाँ पर एक लड़का हा करा, हा की मात्रा। हा से क्या है? नमः, न माको हा की मात्रा महा, क्या हो गया? नमः। ये हो गए स्वर की मात्रा और मात्राएं वाले शब्द और इसके चित्र। तो यहाँ पर बच्चों पढ़ो मेरे साथ स्वर की मात्राएं। आ आ की मात्रा, अ आ की मात्रा, ई छोटे ई की मात्रा, ई बड़े ई की मात्रा, उ छोटे उ की मात्रा, उ बड़े उ की मात्रा, रू रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ औ की मात्रा, अम अम की मात्रा, आहा आहा की मात्रा, आपे चंद्र बिंदु। ये हो गए बच्चों स्वर की मात्राएं। आज का गृह कार्य क्या है बच्चों? आज का गृह कार्य होमवर्क क्या है बच्चों? आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क आपको वर्णमाला और स्वर की मात्राएं लिखकर पढ़कर बुक लेके आपको यही होमवर्क करना है। ये हो गए स्वर की मात्राएं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।